गाइस स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं मिलिट्री बेस में और मिलिट्री बेस आते ही मैंने डीबीएस उठा लिया है। मेरे टीममेट ने सामने मार्क करके बताया सामने बंदा है और मैं घुस गया डीबीएस लेकर। उसे एक शॉट पड़ने के बाद भी नॉक नहीं हुआ और यहाँ पर मैं फिनिश होके आ जाता हूँ आईलैंड पर। और मैं यहाँ पर रिकॉल होने के लिए आ जाता हूँ और मैं उतरता हूँ मेन बिल्डिंग पर। और मैं यहाँ से थोड़ा सा लूट करके मैप खोल के देखता हूँ कि कहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट है और मैंने वहाँ पर मग लगा चुका हूँ। और यहाँ से लूट करके सीधा चलता है रिस्पॉन पॉइंट पे। और मैं ये रिस्पॉन पॉइंट पे आके उसे एक्टिव करते मैं 4 नंबर को बुलाता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और मैं रिकॉल होकर सीधा आ जाता हूँ गटका पे। और मैं लैंड करता हूँ सीधा छत पे, तभी सामने से भागता हुआ बंदा दिखता है। उसे तो मैं घुटनों पर ला देता हूँ और तुरंत मैं फिनिश भी कर देता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ इसके पेटी में क्या क्या है। चलो तो इसके पेटी से मुझे एक M2 पर मिल गया जो मैं ले लेता हूँ। और वहाँ से लूट करके मैं गाड़ी ढूंढने लगता हूँ क्योंकि अपने टीममेट को रिकॉल करने जाना है। और तभी मुझे सामने बगी दिख जाता है और मैं बगी लेके सीधा चल जाता हूँ रिकॉल करने टीममेट को। और यहाँ पे मैं रिकॉल करने आया ही था तभी मैं देखता हूँ सामने 2 स्क्वाडों की फाइट हो रहा है रिकॉल पे। और यहाँ से मैं किल चला के चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं टीममेट को रिकॉल कर देता हूँ और सीधे आ जाता हूँ मैच ड्रॉप पे। और एक बंदा ब्रिज के ऊपर कैम कर रहा है, क्या वो बंदे को हम मार पाएंगे? अगर मार दिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मुझे एक शॉट पड़ते ही मैं कवर पे आता हूँ और देखता हूँ बंदा कहाँ से मार रहा है। और मैं यहाँ पर हेल्थ लगा ही रहा था तभी 3 नंबर गाड़ी लेकर भागने लगता है और तभी मुझे एक और शॉट पड़ता है, मैं 10 HP पे बच जाता हूँ। और मैं यहाँ पर ड्रॉप के पीछे हेल्थ लगा ही रहा था कि 3 नंबर ने गाड़ी लेके आ चुका है मुझे ले जाने के लिए, ड्रॉप भी उल्टा दिया है। और मैं भी गाड़ी पे चढ़ के थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। मुझे पता चल चुका था कि वो ब्रिज के ऊपर है, तो जरा तुम लोग भी देखो इसे कैसे मारता हूँ मैं। यहाँ पे उसे एक शॉट कनेक्ट हुआ, दूसरा मिस हो गया और तीसरे शॉट पे नॉक। और जो कि बंदा मुझे दिख भी नहीं आया था और मैं सीधे चल जाता हूँ रस करने अपने टीममेट को लेके। और गाड़ी लेके मैं ब्रिज के इस पार आ गया था और यहाँ से मैं देख रहा था कि उसके और बंदे तो वहाँ पर हैं। तभी साइड से एक बार गाड़ी का साउंड आता है तो उसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मैं सोच रहा था कि वो बंदा अभी तक रिवाइव भी हो गया होगा। तभी मेरे पर किल आ जाता है और तभी मैं उसके और बंदों को देखने लगा था कहाँ पर है। और इस ब्रिज पे तो और कोई बंदा मुझे नहीं दिखा तो हम सीधे निकल जाते हैं जोन में। ये BGMI के अंदर ना एक और मिनी गेम दिया हुआ है जो कि सबको नहीं पता और मैंने ही बहुत मुश्किल से ढूंढा है उसे। अगर तुम लोगों को वो मिनी गेम पसंद आता है तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।
और कमेंट करके जरूर बताना कि मिनी गेम कैसा लगा। तो आप तुम लोग भी देखो जरा कैसा है ये मिनी गेम। तुम लोगों को इस जगह पर आना है और ये यूज बटन को दबाते जाना है। देखो कैसा है ये गेम, अच्छा लगा ना ये सब मिनी गेम। चलो तो बहुत हो गया मस्ती, यहाँ से फ्यूल लेते हैं और सीधे चलते हैं जोन में। और हम इधर जा रहे थे, तीन नंबर को इधर बंदा दिखा जो कि हम पे फायर कर रहा था और मुझे वो बंदा एकदम दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा सीधा उन लोगों पे पुश कर देते हैं। और यहाँ से मैं गाड़ी लेकर सीधा निकल जाता हूँ उस बंदे के ऊपर। और यहाँ पर वो बंदे गाड़ी पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं और तभी मैं गाड़ी से उतर के गाड़ी को फोड़ने लग जाता हूँ ताकि मुझे कवर मिल जाए। और जैसे मैंने गाड़ी फोड़ा तभी तीन नंबर नॉक हो गया। और तीन नंबर नॉक होते ही मुझे थोड़ा सा टेंशन लगा कि वो पुश ना कर दे, वो लोग हम पे पुश कर देते हैं। एक बंदा राइट से आ रहा है, एक बंदा लेफ्ट से आ रहा है, कोई लेट कर रहा है। तीन नंबर पर घर देते ही उनका एक बंदा डाउन कर चुका हूँ। उन लोगों ने तीन नंबर को भी नॉक कर दिया और वो लोग अंधा बुस कर दिया है। और तभी मैंने उनका एक और बंदा डाउन कर दिया है और भी फूटा रहा था और उन लोगों भी मॉली नेट कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि तीन नंबर को कैसे भी एक बार लाइफ दे दूँ, उसके बाद उन लोगों को मारता हूँ। तभी उनका और बंदों का साउंड आ ही जा रहा था तो मैंने सोचा पहले उनको ही मारूँ। चलो तो उनका 1v3 कर चुका हूँ। अब अपने टीममेट को लेवा देता हूँ, सीधे चलता हूँ जोन में कि जोन बहुत छोटा हो चुका है। और ये 1v3 क्लच कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। और ये तीन नंबर को देखो कैसे ओपन में भाग रहा है। तो वो सेट से एक बंदा निकला जो कि तीन नंबर को नॉक कर दिया है और मैंने उसे नॉक कर दिया है। और मैं रिवाइव भी देने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसका बंदा सेट भी हो सकता है। और मैं ऐसे ही फ्री फायर दे रहा था तभी उसका और एक बंदा निकला बाहर जो कि बच जाता है और शायद उस बंदे को रिवाइव भी दे देगा। और मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं जोन के बाहर हूँ, मैं सिर्फ उस बंदे को देख रहा था कि सिर्फ एक बार बाहर निकल जाए। और तभी साइड से फायर आता है, उस वाले शख्स से फिनिश होने के बाद जो धुआं निकलता है वो निकला, तो मैंने सोचा वो फिनिश हो चुका है। इसीलिए जोन टच होते ही मैं इस जगह पे आके लड़ गया और तभी मेरे पर गोली चलता है, मैं फिनिश। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।